आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच बता दें, कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन। जी हाँ, राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, राहगिरी कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सैनी और सुभाष सुधा ने साइकिल चलाई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल का अवलोकन किया गया है। कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, इस वक्त की बड़ी खबर, राहगिरी कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी शामिल। बड़ी खबर, सीएम सैनी और सुभाष सुधा ने साइकिल चलाई, इस दौरान राहगिरी कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स का अवलोकन भी किया गया। तो कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, राहगिरी कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सैनी और सुभाष सुधा ने साइकिल चलाई है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स का अवलोकन किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रणदीप रोड संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणदीप, राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की आज मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ वहां पर रहा, कितना उत्साह वहां पर युवाओं में खासकर देखने को मिला? रणदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहगिरी कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी पहुंचे, सीएम सैनी और सुभाष सुधा ने साइकिलिंग चलाई, साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स का अवलोकन भी वो यहां पर करते नजर आए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से साइकिलिंग जो है वो भी की, एक संदेश यहां पर युवाओं को देने की कोशिश की, शारीरिक का जो व्यायाम है वो भी बेहद जरूरी है जीवन में। और तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने भी इस राहगिरी कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स का भी अवलोकन उनके द्वारा किया गया। रणदीप रोड संवाददाता कुरुक्षेत्र से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणदीप, कुरुक्षेत्र में आज राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री भी वहां पर खुद पहुंचे और युवाओं को भी मोटिवेट उनके द्वारा करने का यहां प्रयास किया गया, साइकिलिंग भी की मुख्यमंत्री ने यहां पर। बिल्कुल, देखिए आज कुरुक्षेत्र के अंदर इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अभी कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें साथ साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद है और ये कार्यक्रम जो है इस तरह से हरियाणा की जो लोक संस्कृति है, खासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन और जो आम जो पब्लिक है उनके साथ किस तरह से जो जो अटैचमेंट जो आम लोगों की रहे, इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पहले भी किए जाते रहे लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर आज का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे कॉलेज के बच्चे पहुंचे हैं, खासतौर से जो खिलाड़ी है वो अपनी अपनी एक तरह से प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, लोग जो संस्कृति है उसका यहाँ पर प्रदर्शन अवलोकन जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लास्ट में जो एक तरह से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया एक पेड़ माँ के नाम, जहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी और सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा पौधारोपण करने वाले हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, आज ये बड़ा जो कार्यक्रम का इसका आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, और कितना उत्साह यहाँ पर बच्चे हम देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर लोगों को प्रेरित करने के लिए भी और इस तरह के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें प्रमोट करने के लिए भी जो हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं, खासतौर से जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाएं काम करती है, जो इस तरह के हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, उनको प्रमोट करना, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो व्यवसाय है, जो इस तरह से वो चला रहे हैं, उसको किस तरह से प्रेरित किया जाए आम लोगों को और लोगों को भी, तो इस तरह से इसका उद्देश्य है। और उत्साह की जो बात है, आज सुबह से स्कूली बच्चे खासतौर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप रोड इस तमाम जानकारी के लिए।